नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज संसाधन से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के सीरीज के रूप में लाई हूं, जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। आज के इस सीरीज में सेल तंत्र, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, जस्ता, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके बीच आया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आज टेस्ट सीरीज के लास्ट में आपको वे महत्वपूर्ण गाइडेंस भी दिए जाने हैं, जो कि धात्विक अधात्विक खनिज से संबंधित प्रश्न जब आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आप कैसे तैयारी करें कि हर एक क्वेश्चन का आप सही उत्तर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। ध्यान रखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है और ये शिलाएँ अत्यधिक धात्विक है और इसी में लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ तंत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो अभी आपको बताया गया है सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, सीसा, तो ये सारे धात्विक यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा विंध्य शैलों में जिसमें वृहद भंडार पाए जाते हैं, तो इस स्थिति में उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र से, कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है, और चार ऑप्शन दे देंगे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो इस स्थिति में उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, तो साथियों इस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। ये टॉपिक भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिज के लौह अयस्क में बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप इसका उत्तर दीजिए। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारवाड़ क्रम। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये आर्थिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेल तंत्र है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कौन लौह क्षेत्र है, तो इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं लौह के, उसे भी आपको तैयार करना है। जैसे कुद्रमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है, अन्य कौन कौन से खान हैं इसको भी आप जरूर ही ध्यान में रखेंगे। जैसे साथियों भारत में लौह अयस्क उत्पादन के चार प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी में जिसमें झारखंड और उड़ीसा आता है, मध्य भारत में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा है, अन्य क्षेत्र में जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। और ध्यान रखें इन राज्यों के अर्थात इन क्षेत्रों के वे कौन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं लौह अयस्क के लिए, वो भी आपको तैयार करने हैं, जिसमें मैं अभी आपको बताई कौन सा, कुद्रेमुख। ठीक, तो इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका आपको अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, इसी प्रकार से उदयपुर के ज़िले में आप नाथरा के पाल आदि देखेंगे, तो ये सब जो भी खनिज क्षेत्र हैं इन सबको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। अभी मैं आपको बताई हूँ कुछ क्षेत्र हैं उसको भी आप सभी को तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पक्का है साथियों, तो आप अवश्य ही इस टॉपिक को अच्छे से टेस्ट फॉर्म में आप दीजिए।
साथियों, आपको बताकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान भी बेलाडीला की खान ही है, ठीक है। और यह संबंधित है लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, इसी प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं, पहले आप इसका उत्तर दीजिए। साथियों, राजस्थान एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता में, ठीक है, ऑप्शन सी जस्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट को लगाइए। पहला जो क्षेत्र है तांबा का क्षेत्र है, दूसरा जो है संबंधित राज्य है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, 1, 4, 2, 3, ठीक है। कैसे? चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश, खेतरी राजस्थान, ठीक है। ये तांबा के क्षेत्र हैं, ये जितने ये तांबा के क्षेत्र, अभी मैं आपको बताई हूँ कि लौह के जितने क्षेत्र होंगे संबंधित राज्य, उसको आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप सभी के बीच में तांबा के क्षेत्र संबंधित लाई, ठीक, और कौन कौन से इससे राज्य संबंधित हैं, इस प्रकार से आपको तैयारियां करनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाक्साइट अयस्क है, बाक्साइट अयस्क है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। और ये ध्यान रखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क तो है, और इसका रंग जानते हैं किसके आधार पर निर्धारित होता है, लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी और लाल पाया जाता है। और बॉक्साइट के अर्थात भारत के जो बॉक्साइट का जो प्रमुख उत्पादक जो राज्य है उसमें कौन कौन है, प्रमुख में उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। साथ में आप सभी वर्तमान में बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में कौन सा राज्य का प्रमुख स्थान है, ये भी आप क्रम से तैयारी करेंगे। साथ में कौन से महत्वपूर्ण बॉक्साइट क्षेत्र हैं, उसको भी आप जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टीन के उत्पादन भंडारण में, ठीक है, टीन के भंडारण में छत्तीसगढ़ का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखें, अब तक हम धात्विक खनिज के बारे में, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लाने वाले हैं जो कि अधात्विक खनिज से संबंधित हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अधात्विक खनिज का पहला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है।
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और ये ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अदरक का उत्पादन नेल्लोर जिला में होता है। तो इस प्रकार से साथियों, नेल्लोर को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, नेल्लोर में आपका क्या होता है, अदरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है साथियों? संगमरमर कायंत्रित चट्टान है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मकराना। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है संगमरमर क्या है, तो ये कायंत्रित चट्टान है जो चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय कोयले का क्या अभिलक्षण है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए होगा, एक और दो जबकि तीन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। जो कि खनिज ऊर्जा के क्षेत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप देख रहे हैं ये जो टॉपिक है ऊर्जा खनिज के कोयला से रिलेटेड है, ये टॉपिक भी आपका ऊर्जा खनिज से ही संबंधित है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये टॉपिक आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछी जाती है। और साथियों, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा नागपुर का योगदान कोयला उत्पादन में है, या क्वेश्चन आ जाएगा झारखंड में कोयला की प्रमुख खान कौन सी है, तो झरिया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है, तो तमिलनाडु में है। अभी आप भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये क्वेश्चन पढ़े ही है। इसी प्रकार से कोयला क्षेत्र चार दे दिए जाएंगे, करनपुरा, सिंगरेली, नेवली, कोरबा, और संबंधित राज्य से सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा। तो साथियों, करनपुरा किससे संबंधित है, कोयला क्षेत्र जो है वो है झारखंड से, सिंगरेली किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, नेवली किससे संबंधित है, तमिलनाडु से, कोरबा किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। तो साथियों, बहुत टफ क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं, यही सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन कुछ कथन कारण से संबंधित पूछ दिया जाएगा, या चार विकल्प दे दिए जाएंगे और जो सही कथन होगा उसके बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। एक अन्य विकल्प हो जाएगा, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे सरकमटेंस होते हैं कि यदि आप इन सभी को, सारे पक्षों को जानते हैं, तो बहुत ईजी वे में इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो साथियों, आज का ये जो टॉपिक था बेहद महत्वपूर्ण है और समसामयिक भी है, आप अवश्य ही आर्थिक सर्वेक्षण से भी
वर्तमान जितने भी इससे संबंधित आंकड़े हैं उसका आप अध्ययन करेंगे। साथियों, आज आप कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए, क्योंकि आज आप सभी के बीच 12 प्रश्न आप सभी के बीच लाए गए थे इस खनिज संसाधन के संबंध में, ताकि आप सभी अवश्य ही यह बता सके कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आप सभी द्वारा प्राप्त उत्तर के आधार पर ही साथियों मेरे द्वारा रणनीति आप सभी की तैयारी के लिए बनाई जाती है। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर से विदा ले रही हूँ कि आप सभी अवश्य ही कमेंट में अपने उत्तर को उपलब्ध कराएंगे और सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ताकि आगे की रणनीति मेरे द्वारा आप सभी की सफलता के लिए बनाई जाए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार।